नहीं, असरात तो हैं इस घर में। शाह साहब, हाँ देखे ना, अल्लाह अकबर, अल्लाह ये देखे ना, अब उन्होंने, मैंने पहले पढ़ाई कर रहा था जब आप आए थे ना, इसीलिए कर रहा था, तो ये अपनी निशानी देते हैं ये। आवाज आ रही है ना अब आपको? हाँ ये देखे ना, निशानी दी है उनने, आपने लाइट बंद कराई है ना, मैंने देखा आपको निशानी। हाँ मैं देख लें, देख लें। हाँ जी, अब आपने जाना है इधर से या नहीं, नहीं तो मैं आपके साथ दूसरा काम करूँगा। इस घर को आपने खाली करने और यहाँ से आपने निकल जाने। इन लोगों कोई तकलीफ ना हो आज के बाद। प्रोग्राम खुश रहे कि मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम जी, खुश रहे के साथ एक दफ़ा फिर से तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। आज का जो एपिसोड है वो काफ़ी मुख्तलिफ होने वाला है। आज मैं एक गांव में आया हूँ और यहाँ पे जो है ये घर है जिसके मालिक जो हैं वो बाहर हैं, बाहर से ताला लगा हुआ था और घर के अंदर कोई है, और उनसे पहले मेरी मुलाकात होगी और उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या होता है आज इस शाम में। अभी शाम है क्योंकि अमल शुरू हो चुका है, तो उसके बाद देखेंगे होता क्या है। थोड़ा तफसील में ये बता देता हूँ, इस घर में असरात हैं और काफ़ी अरसे से हैं और फैमिली यहाँ पे रह रही है, और इन्होंने कोई शाह साहब हैं उनको बुलाया हुआ है, आज वो यहाँ आए हुए हैं, तो किसी तवस्सुत से इन्होंने हमसे रابطہ किया कि अगर आप आ जाएँ, हमारे पास शाह साहब आए हुए हैं और वो आज उन्होंने इस जगह का मुआयना भी करना है और शायद क्लियर भी वो कह रहे थे कि मैं देखूँगा, हो सका तो आज ही कर दूँगा, तो आपने रिकॉर्डिंग करनी है तो आ जाएँ, लेकिन शाह साहब से इजाज़त ज़रूर लें। तो फिर फ़ोन पे मेरी शाह साहब से बात हुई, शाह साहब से बड़ी रिक्वेस्ट की कि आप मेहरबानी करके इजाज़त दें, अगर आप चाहते हैं तो हम आपका चेहरा भी नहीं दिखाते, क्योंकि होता है कभी कभी कुछ हजरात जो हैं वो इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, लेकिन उनकी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं, लेकिन मेरे काम को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो उनसे थोड़ी सी मेरी बात हुई थी, शाह साहब मौजूद हैं अंदर और बाहर ताला लगा हुआ था, तो अशरफ भाई के साथ मैं आया हूँ बाहर, उन्होंने ताला खोला है और मुझे फ़िलहाल उन्होंने कहा कि अंदर से ही बंद कर दें, क्योंकि शाह साहब ने मना किया हुआ है कि अंदर कोई ना आए। तो इस कमरे की लाइट जल रही है, बाकी तो अंधेरा है, देखते हैं शाह साहब से मिलते हैं और उसके बाद जो भी आगे प्रोसीजर है वो उनके साथ साथ हम भी देखेंगे कि क्या होता है। बाकी हीट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, बिस्मिल्लाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
ये आप मुबीन साहब हैं? जी शाह से आपसे फ़ोन पे बात हुई। आप रिकॉर्डिंग के लिए आए? मैं प्रोग्राम करता हूँ इस तरह की जगहों पे जाके, तो वो मेरी बात हुई थी अशरफ साहब से, उन्होंने कहा था कि आप आए हैं यहाँ पे ये जगह का मुआयना करने, तो आप जो करेंगे मैं आपको तंग नहीं करूँगा, बस आप अपना काम करेंगे, मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग करूँगा। ये तो बड़ा ख़तरनाक काम है, ऐसे नहीं होते जो आप आ गए ना, ऐसे नहीं होते, तो आपको तंग करेंगे, हम तो अपने कड़ा शड़ा डाल के चिल्ला डाल के काम करते हैं, तो आपको तो तंग करेंगे, ये आपको मसला बनेगा यहाँ। नहीं शाह साहब, कम मुझे हो गया तजर्बा, कोई 150-200 मैंने प्रोग्राम किए हमारे साथ शाहजी होते हैं, हमने काफ़ी प्रोग्राम किए हैं, तो मुझे अंदाज़ा है। अब वो आपसे फ़ोन पे ज़्यादा डिटेल में बात नहीं हुई, तो फिक्र ना करें इंशाल्लाह। नहीं नहीं, इसके लिए फिर आपको कड़ा लगवाना पड़ेगा, आपके ऊपर कड़ा लगाएंगे, दम करेंगे, फिर आप करें, ऐसे नहीं है, ये बड़ा ख़तरनाक काम है, ऐसे नहीं होता ये। मैं उधर आ जाऊँ? जी आपको कड़ा लगा दिए जी, मार लेते, याद रखा करें, ऐसे नहीं आया करें, ये बड़ी खतरनाक चीज़ें होती है। ये शस्त्र लगा दूँ आपको? कोशिश कीजिए ना अभी क्या। तो बस ये इन लोगों ने बुलाया था मुझे, यहाँ कोई असरात वगैरह हैं, तो उनने कहा ज़रा चेक करें, तंग करते हैं यहाँ जो रहते हैं, रात को डराते हैं, चीज़ें खड़कती हैं, बच्चे डरते हैं, तो इन्हें बुलाया था ज़रा चेक करें, तो टाइम नहीं था, मैं भी काफ़ी दिन बाद आया हूँ, तो इन्हें बड़ी रिक्वेस्ट की थी तो मैं आ गया हूँ। तो आप देखते हैं कि क्या क्या मामला कर लिया या करना? नहीं नहीं, अभी करना है, पहले पढ़ाई की है ना वो, ताकि अपने आप को सेफ करें, पढ़ाई करें, फिर चेक इंशाल्लाह करते हैं। अभी शुरू करना है? करते हैं, करें बिस्मिल्लाह, करें करें करें। लाइट जलती रहे, बंद करते हैं, जलती रहे, चल।
नहीं, असरात तो हैं इस घर में। अच्छा। हाँ, इस घर में असरात हैं और कुछ शैतानी चीज़ें भी हैं, कुछ असरात वगैरह भी हैं। किस जगह पे हैं, मखसूस जगह पे हैं या पूरे घर में? नहीं, ये घर में ही हैं। पूरे घर में? पूरे, वो मखसूस नहीं होते, जो बाहर से भेजे गए चीज़ें होती हैं ना, वो होती हैं पूरे घर में। जो एक परमानेंट चीज़ें होती हैं ना, जो रह रही होती हैं पुराने बाबा अजदाद से, वो एक कोने में रहती हैं, एक कमरे में रहती हैं। जो शैतानी असरात हैं वो बाहर से भेजे जाते हैं, वो सारे घर में होते हैं। तो ये सारे घर में फैले, ये भेजे में, ये भेजे में काला इल्म है वो, बस काले इल्म से भेजते हैं इन लोगों को। शैतानी वही इल्म होता है ना, काले इल्म से ये भेजे हुए ताकि इन लोगों को तंग करें, परेशान करें। अच्छा। तो ये चीज़ें ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। अच्छा। जो शैतानी चीज़ें होती हैं ना, जो भेजी हुई होती हैं काले इल्म से, वो फिर सारे घर को कवर किया होता है उन्होंने। अब आगे क्या करेंगे इनका? बस देखें, इंशाल्लाह इनका हो जाएगा बंदोबस्त, हो जाएगा। क्योंकि ये शैतानी चीज़ें हैं, थोड़ा इनके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ती है, और ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो ना हो सके। ठीक है। हाजिरी हो सकती है ये जो मखलूक की? हाजिरी हो सकती है, हाजिरी भी होती है, वो तो दोनों की हो सकती है। शैतानी ज़रा मुश्किल से आते हैं, वो दूसरे जो है ना वो जल्दी आ जाते हैं, जो प्रॉपर रहते हैं ना यहाँ पे। तो जो यहाँ मखलूक रह रही है उनकी वो शैतानी है, हो सकती है। वो हाजिरी है, हाजिर सामने तो नहीं होते हैं, कोई निशानी देंगे? वो निशानी वगैरह दे देते हैं कि हम हैं यहाँ पे, बस वो ये निशानी देते हैं कि हम यहाँ पे हैं, मौजूद हैं। अच्छा। हाँ, वो हाजिर नहीं होते। हाजिर जो है ना वो ज़रा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि आपके लिए भी टेंशन होगी, उनके लोगों के लिए बाद में टेंशन होगी। नहीं, हाजिर शाह साहब ये बताएं, ये कोई शक्ल में हाजिर होते हैं या किसी भी रूप में हाजिर होते हैं? किसी भी रूप में आ सकते हैं ये शैतानी चीज़ें। तो शैतानी चीज़ें किसी भी रूप में आ सकती हैं, वो बिल्ली के रूप में, बकरी के बच्चे के रूप में, ये हर तरीके से आ जाती हैं। और वैसे ये तंग भी करती हैं, मतलब कि जैसे इन्होंने बताया था कि रात को कोई चीज़ खड़काते हैं। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि हमारे दरवाजे बजते हैं, हमारे रोशनदान बजते हैं, या कोई बर्तन खड़क रहे होते हैं किचन में। तो ये शैतानी चीज़ें ये काम करती हैं। अभी आगे अब पढ़ाई शुरू करेंगे आप? हाँ, बस अब थोड़ा सा पढ़ाई और करता हूँ, मैंने पहले किया, आप आ गए थे तो मैंने कहा चलें विज़िट कर लेते हैं। इधर बैठे तो मैं पढ़ाई करता हूँ इंशाल्लाह, थोड़े बहुत तो देखें। उनको कहते हैं कि आप थोड़ा सा अपनी मौजूदगी का पता बताएं हमें। शाह साहब। हाँ, देखें ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये देखें ना, अब उन्होंने, मैंने पहले पढ़ाई कर रहा था जब आप आए थे ना, इसीलिए कर रहा था। तो ये अपनी निशानी देते हैं ये। शाह साहब। हाँ, देखें ना। अल्लाह अकबर। ये देखें ना, अब उन्होंने, मैंने पहले पढ़ाई कर रहा था जब आप आए थे ना, इसीलिए कर रहा था। तो ये अपनी निशानी देते हैं ये। बस ये जो है ना, निशानी देते हैं ये अपनी। ये देखें अभी, ये अच्छा भला ये झूला हिला दिया इन्होंने। तो ये आपने कहा ना निशानी हाजिर कर सकते हैं, तो ये मैंने बताया ना आपको, ये निशानी देते हैं ये। कोई चीज़ खड़काएंगे अभी, कुछ करेंगे, ये निशानी देते हैं अपनी। अब फिर यहीं बैठेंगे? हाँ नहीं, इधर बैठते हैं अभी। देखें, एक निशानी उन्होंने दे दी है ना, झूला हिला दिया आपके सामने जी। क्योंकि मैंने पढ़ाई की थी, अभी बैठा था, पढ़ाई कर रहा था जी। तो वो यही देख रहा था कि ये सारा जो है ना घर में है या एक किसी कोने में, लेकिन ये सारे घर में है। ठीक है शाह। क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं से शरारत करनी है। जो सारे घर में शैतानी अमल है ना, वो सारे घर में फिरता है। ठीक। तो वो कहीं ना कहीं वो ये गड़बड़ करते रहते हैं, तो ये बहुत परेशान होते हैं। फिर जो रहायशी होते हैं लोग, तो होते हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं ये लोग। कुल सामने अल्लाह अकबर। क्लियर दिए? नहीं, ऐसे नज़र नहीं आएंगे, वो निशानी देंगे, नज़र नहीं आ, सामने नहीं आते ये। अच्छा। सामने नहीं आते, उन्हें पता है ये पकड़ लेंगे या तकलीफ देंगे, तो वो निशानी दे देते हैं। सही है। हाँ, वो निशानी देते हैं सिर्फ, बस सामने नहीं आते। ये लाइट जली रहे बाहर की, ये बंद कर दूँ? बंद कर दें ताकि आपकी रिक्वायरमेंट की है लाइट जले, क्योंकि ज़्यादातर लोग कहते हैं अंधेरे में ये चीज़। नहीं, जली रहे।
वो निशानी देंगे फिर आप देखें ना अंधेरे में। मेरे पास लाइट है। अच्छा चलें फिर बंद कर दें। अच्छा नहीं, अगर कोई मसला नहीं है तो बेशक वो भी चली रहे, मुझे कोई मसला। हाँ आप जैसे कहें बंद कर दें, बंद कर दें। अब मेरे लिए क्या है, मैं बैठ जाऊं कहीं? नहीं नहीं आप बैठें बैठें बैठ जाएं, इधर बैठ जाएं, इधर बैठ जाएं, बैठें आप बैठ जाएं। चलो मैं ये जरा एक तो सेट कर दूं इसको। हाँ बैठ जाएं। आवाज आ रही है ना अब आपको? को आवाज आई है? इसके पीछे जाऊं? हाँ ये देखें ना निशानी दी है उनने, आपने लाइट बंद कराई है ना, मैंने वो देखा आपको निशानी। हाँ मैं देख लें देख लें, या मैं आ जाऊँ? आ जाए आप, आ जाए। ये देखें ना अब यहाँ पे बर्तन खड़क रहे थे, ये अंधेरे में जल्दी निशानी देते हैं ना, लाइट जल रही हो फिर नहीं देते। अब ये देखें यहाँ को किचन में गड़बड़ कर रहे थे, तो ये निशानी दे जाते हैं जब आप पढ़ाई करेंगे ना, तो ये निशानी दे के जाते हैं ताकि वो बताते हैं कि हमारी मौजूदगी, हम मौजूद हैं इस घर में। आवाज आ रही है ना अब आपको? को आवाज आई है? इसके पीछे जाऊं? हाँ ये देखें ना निशानी दी है उनने, आपने लाइट बंद कराई है ना, मैंने वो देखा आपको निशानी। हाँ मैं देख लें देख लें, नजर नहीं आएंगे, बस वो निशानी देंगे खड़का के ना कि हम हैं मौजूद हैं, क्योंकि पढ़ाई होती है तो फिर उनका एहसास उन पता चलता है, उनका एहसास होता है कि ये मौजूदगी है। बस अब नहीं करना, गड़बड़ नहीं करनी है इस घर में, नहीं तो मैं आपके साथ बहुत भस्म कर दूंगा आपको, आपके साथ बहुत बुरा पेश आऊंगा। आपने इधर कोई गड़बड़ नहीं करनी आप। नहीं इंशाल्लाह पढ़ाई करूंगा, ये ठीक हो जाएंगे, ये कुछ दिन मेहनत करनी पड़ती है, ये ठीक हो जाते हैं। वे आपने कहा है ना कि कोई निशानी देंगे, इसलिए फिर मैंने पढ़ाई की है, उन्होंने निशानी दे दी है। सही है, आपने कहा ना कि निशानी देते हैं कुछ, तो मैंने कहा नहीं वो पढ़ाई की है, मैंने कहा कोई निशानी दें, तो उन्होंने निशानी दे दी है कि हम हैं इस घर में मौजूद हैं। तो कोशिश यही करूँगा कि आज ख़त्म हो जाए ना। अच्छा। क्योंकि इन लोगों को तंग बहुत किया हुआ है ना, मेरी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आज ख़त्म हो जाए, असरात ख़त्म हो जाए, आज से ही ख़त्म हो जाए, तो इंशाल्लाह मैं पढ़ाई करता हूँ। सही है, और इनका बंदोबस्त करता हूँ। इनको ज़्यादा यही होता है कि भाग जाते हैं ये, इन्हें बाकी जलाने की या वो की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये भाग जाते हैं जब पढ़ाई करेंगे तो। सही है, और इंशाल्लाह दोबारा इस घर में भी नहीं आएंगे वो। सही है। देखें यहाँ पे ना मुबीन साहब, वो देखें कोई मोमबत्ती पड़ी होगी, उन्हें मैंने कहा था मोमबत्ती ला के रख दें। जी तो अशरफ साहब को कहा था, वो देखें मोमबत्ती पड़ी होगी वो लाएँ, ताकि मैं फिर आज ही इनकी पढ़ाई करके यहाँ से इनको फारिग करूँ, ये घर क्लियर करूँ इंशाल्लाह। बताया था उन्होंने, कहा था ये मोमबत्ती रखी होगी इधर ना, तो वो मोमबत्ती ले आए, फिर मैं इंशाल्लाह इनका बंदोबस्त करता हूँ। बस 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 अब ठीक हो गया। देखें यहाँ लाल मिर्ची भी रख गए होंगे, लाल मिर्ची साबित वाली है। हाँ जी अब मैं इनका पढ़ाई शुरू कर रहा हूँ जी।
नीचे बैठ के इनका ताकि आज मसला हल हो जाए, क्योंकि इसके लिए ज़मीन पे ज़्यादा पढ़ाई जो होती है वो ज़मीन पे बैठ कर ही होती है। तो मैं पढ़ाई करूँगा, पहले ये मोमबत्ती जला लूँ ताकि आप लाइटें सारी बंद कर देंगे, ताकि मैं इनका कोई बंदोबस्त कर सकूँ। बंद करनी है सारी? सारी लाइटें बंद कर दें, अब मैं पढ़ाई कर लगा हूँ, अब सारी लाइटें बंद कर दें घर की। जी बंद कर, हाँ ठीक हो गया, बस बिल्कुल अंधेरा कर दें। मैं ये अभी थोड़ी पढ़ाई करूँ ताकि इनका ये आज घर क्लियर हो, फिर उसके बाद इनको एक दो तावीज़ भी देने ताकि ये बाद में वो इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह घर आज क्लियर हो जाएगा। तो आप लाइटें शाइटें सब बंद कर दें, मैं थोड़ा सा ये काम करूँ। थोड़ी सी अगर मैं जला दूँ, क्योंकि ये फिर कैमरों में नज़र रिकॉर्ड कुछ भी नहीं हो रहा। चले थोड़ी जला लें, बाहर कर देता हूँ। हाँ थोड़ी जला लें आपके लिए, हाँ ज़रूरी है तो आप जला लें। हाँ आपके लिए जला लें, थोड़ी ज़रूरी है तो। ये देखिए निशानी दे रहे हैं, वो देखिए अल्लाह अकबर, वो देखिए निशानी दे रहे हैं अल्लाह अकबर, ये देखिए निशानी दे रहे हैं, वो देखिए अल्लाह अकबर, वो देखिए निशानी दे रहे हैं अल्लाह अकबर। नहीं नहीं नहीं, उधर जाना नहीं आपने, ये खतरनाक होता है। बैठ जाए इधर, इधर बैठे आप, मैंने कड़ा लगाया हुआ, उधर ना जाए, ये कड़ा आप इसलिए महफूज बैठे हैं, ये बड़ा ख़तरनाक काम होता है, ये बंदे को नुकसान पहुंचा देते हैं, ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, आम बंदा नहीं जा सकता है। हाँ जी, अब आपने जाना इधर से या नहीं? नहीं तो मैं आपके साथ दूसरा काम करूंगा, इस घर को आपने खाली करने और यहाँ से आपने निकल जाने, इन लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो आज के बाद।